हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश लर्निंग में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर बहुत ही शानदार भाषण। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए भाषण को स्टार्ट करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज भारत देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं आपके साथ गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहती हूँ। छब्बीस जनवरी सन 1950 को भारत देश का संविधान लागू किया गया था।
इसी उपलक्ष्य में भारत देश के प्रत्येक नागरिक के द्वारा गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। जनवरी 1950 को हमारे देश भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था। सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिवस बिना भेदभाव के मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने का गर्व है। समाज में हमारी अलग जाति, धर्म या कई अन्य चीजें हैं। जो हमें अलग करती हैं। लेकिन इसकी एक व्यापक तस्वीर यह है कि हम सभी भारतीय हैं। सभी भारतीयों के द्वारा एकजुट के रूप में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। Thank you.
हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो अपने मेहनत और संघर्ष की आहुति दी गई थी, उसके कारण ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया गया। और इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए थे। उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही आज सभी भारतीय नागरिक अपने देश में स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। हर तरफ देखो लग रहा जय हिंद का नारा है, हर तरफ देखो लग रहा जय हिंद का नारा है, लिए तिरंगा हाथ में देश झूम रहा आज सारा है, लिए तिरंगा हाथ में देश झूम रहा आज सारा है, देखो आया है राष्ट्रपर्व गणतंत्र हमारा है, देखो आया है राष्ट्रपर्व गणतंत्र हमारा है, नमन माँ भारती तुझे दिया राष्ट्रपर्व प्यारा है, नमन माँ भारती तुझे दिया राष्ट्रपर्व प्यारा है, जय हिंद। जनवरी 1950 को लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। भारतवर्ष में यह दिवस बड़ी उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
हर साल भारत की राजधानी दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा राजकीय सवारी निकाली जाती है और भारतीय सेना जल थल और वायु सेना की राष्ट्रपति के द्वारा सलामी ली जाती है। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस पर उन सभी जवानों को भी पुरस्कार और पदक से सम्मानित किया जाता है। जिनके द्वारा सशस्त्र बलों का प्रयोग करके आर्म फोर्स को दर्शाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इन सभी बहादुर युवाओं को सम्मानित किया जाता है। इस सम्मानित पुरस्कार में उन सभी बहादुर युवाओं को शामिल किया जाता है जिन्होंने अन्य लोगों के जीवन को भी एक नया जीवन प्रदान किया है। अब मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। और सभी का भाषण सुनने के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।